Subscribe under 24/7 and press the bell icon. एवरीवन वेलकम टू अड्डा 24/7 का स्वागत है और हम बात करेंगे सर आपके SBI SOIT के आज के पार्ट 4 की, जो आपको पता है कि हम लोग DBMS का पार्ट हमारा चल रहा था इसके अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। हमने पार्ट 7 कवर कर लिया है, पार्ट 6 कवर किया है, और उसके अंदर आज नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 8 DBMS के अंदर। मैं आपको बता रहा था SQL के बारे में कि हमारे SQL जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज होती हैं DDL है, DML है, DCL है, उसके अंदर किस किस तरीके से कौन कौन सी कमांड आपकी यूज़ होती हैं और किस कमांड का यूज़ किया है, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने वो कवर किया था DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर जो कमांड थी हमारी जिसमें क्रिएट था आपका, ऑल्टर था, ड्रॉप था, ट्रंकेट था, ये सारी कमांड मैंने कवर की थी। अब बात करूंगा मैं आपके साथ आज आपके DML की, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, राइट। तो उसकी आज हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं स्लाइड पर हमारा DML का नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो सर, ये है हमारा DML डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक का, मतलब आपकी बात करें अगर तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक या लैंग्वेज, राइट। इसका काम क्या, काम देखते हैं। पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई DDL का काम क्या था, कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको कौन क्रिएट कर रहा है, आपका DDL। यानी कि अगर मेरा, मुझे क्या करना है, अगर टेबल बनानी है, राइट, टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो मैं क्या यूज़ कर रहा था, DDL। लेकिन अब जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया, राइट, बिकॉज DDL डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर वी नीड टू पुट द डेटा, वी नीड टू इंसर्ट द डेटा। तो डेटा को अगर इंसर्ट करना है आपको तो हमें क्या करना पड़ेगा, DML को यूज़ करना होगा, राइट। DML मतलब आपका ये है कि अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज़ DML। लिखा हुआ है DML डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक लैंग्वेज, इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन द डेटाबेस। इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट, राइट। क्या करती है ये, यूजर की जो रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस के रिगार्डिंग, उसको हैंडल करती है कौन, आपकी DML, राइट। जिसमें हम कौन कौन सी कमांड चलाते हैं सर, आप देख रहे हो, पहला है इंसर्ट, जिसमें इसका यूज है, इट यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। यानी कि अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे आप, इंसर्ट कमांड। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है, कुछ भी नया चेंजेस करना है, तो इट यूज टू अपडेट द, जो भी आपका पुराना डेटा है या पुराने डेटा को चेंज करना है नए डेटा में, तो क्या करेंगे आप, अपडेट। लेकिन अगर आपको डेटा को क्या करना है सर, डिलीट करना है कंप्लीटली, तो आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं किससे, डिलीट कमांड से। अब यहां पे आप कहोगे सर कि डिलीट कमांड से डिलीट कर रहे हैं अगर आप, तो सर डिलीट तो हमने पीछे भी किया था, जिसमें आपने टेबल डिलीट की थी, आपने पूरा जो डेटाबेस डिलीट किया था, तो उसमें आपने ड्रॉप कमांड चलाई थी। आप डिलीट यहां भी कर रहे हो, तो ड्रॉप और डिलीट दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है, और मैं इनका आपको डिफरेंट बता चुका हूँ। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि डिलीट कमांड से आप केबल, और केबल क्या कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, केबल डेटा को, राइट। लेकिन आप ड्रॉप से पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पर मान लो 001 002 ये डेटा डालना है, यहाँ पर मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लो, राइट, और मुझे इसके अंदर कुछ भी अपडेट करना है। यहाँ मेरे को नेम मान लो मेरे ABCD ये नाम डालने हैं, राइट, तो ये मेरा क्या है, इंसर्ट करना हो गया, ठीक है, जो किससे करूंगा मैं, इंसर्ट कमांड से। अपडेट से मान लो मुझे लगता है कि यार नहीं यार 003 था, यहाँ पर 002 है, इसको चेंज करना है, तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। मर्ज है आपकी ये कमांड, एक और मर्ज से क्या हो रहा है, इट परफॉर्म, ठीक है, अप सर्ट ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंसर्ट और अपडेट को, ऑपरेशन को मर्ज करना है, तो इसे कर सकते हैं। एक कॉल कमांड होती है, इट इज यूज टू कॉल द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और जावा सब प्रोग्राम को आप जो है कॉल कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्लान, ये आपका कमांड है। लॉक टेबल, तो इट कंट्रोल द कंकरेंसी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर DML कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो DML का यूज़। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आपके DML को लेकर के, वो तीन कमांड से बनते हैं, एक आपका इंसर्ट, डिलीट और अपडेट,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. एसक्यूएल इंसर्ट जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर. थोड़ा सा मैं इसमें अगर थोड़ा सा अंदर जाते हैं डीपली तो देखो यार, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जब क्वेरी रन कराते हैं तो इट इज़ यूज टू इंसर्ट द सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबल. क्या सिंटेक्स रहेगा उसका? एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट. जैसे आप देखोगा इंसर्ट है, ये रहा आपका इंसर्ट इनटू, मान लो एजेंट नाम की टेबल है कोई भी, वैल्यू दी आपने उसमें, ये जोड़ी सीरी का नाम डाला और डेट डाली, उसका एजेंट का कोड डाला, जिसमें आपने देखा कि ये एजेंट कोड है, ये एजेंट नेम है, ये वर्किंग एरिया हो गया, ये इसका कमीशन और इसका फ़ोन नंबर. इस तरीके से आपने इसमें क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर दिया. तो इस तरीके से ये इसका एक सिंटैक्स मैंने वक्कुल साहब ने दे दिया कि किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट करेंगे. तो सब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो SOIT तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली SBI को, ठीक है, तो उसके लिए ये पार्ट आपके लिए मैं DBMS के लेके आया हूँ, ठीक है. तो इसमें हम लोग पार्ट वन से लेकर के आज पार्ट हमारा 8 चल रहा है. कोई भी अगर आपको लगता है पार्ट मिसिंग है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, आपके प्लेलिस्ट पर, उसमें आपको पूरे पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट, SQL अपडेट का ये आपका ये कमांड है. तो उसका अपडेट कैसे आप करते हैं, ठीक है. तो देखो यार, अपडेट अगर आपको करना है स्टेटमेंट में तो अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे हमारा, टेबल का नाम हो गया. सेट यूज़र, यूज़र नेम बीइंग हनुमान, और वेयर कहाँ पर, जिसकी ID क्या है, 3 है. यानी कि हमने यहाँ पे वेयर क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दी, जिसकी ID क्या है, 3 है. तो उसमें क्या कर देगा ये आपका, इसका यूज़र नेम डेट को अपडेट कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट SQL डिलीट, डिलीट कमांड से क्या है आपका, तो SQL डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द रो फ्रॉम अ टेबल. अब इसका देखो सीधा साहब, हम आते हैं सीधे यहाँ पर, स्टेटमेंट फ्रॉम टेबल और वेयर कंडीशन. ये सिंटेक्स याद रखिएगा कि भैया डिलीट करना है कहाँ से, किस टेबल का नाम देना है, और फिर कंडीशन लगानी है वेयर, ठीक है. बट इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वेयर कंडीशन इट विल रिमूव ऑल द रोज. ये याद रखिएगा, यानी कि अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या करेगा, वो सारा रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है. तो इसलिए आपको वो कंडीशन लगानी है कि भाई आप कहाँ, किस स्टूडेंट की आप डिटेल को डिलीट कर रहे हैं या फिर उसको अपडेट कर रहे हैं आप, ठीक है. तो आपने वेयर कंडीशन लगा करके आप उसको सेट कर सकते हैं. तो ये कमांड था हमारा DML का. अब यहाँ पर इन्होंने एक बार और मैंने आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट. तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड डिलीट में क्या है कि भाई देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट. डिलीट स्टेटमेंट ओनली डिलीट द रोज फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन डिफाइंड बाई वेयर क्लॉज, और डिलीट ऑल रोज द फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन नॉट स्पेसिफाइड. यानी डिलीट क्या करेगी, आपकी रो को डिलीट करेगी, और अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की आपने तो वो सबको डिलीट कर देगी. लेकिन ट्रंकेट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द कंटेनिंग स्पेस. यानी कि सबको डिलीट कर देगी, केवल स्पेस आपका फ्री रह जाएगा बस, यानी स्ट्रक्चर रह जाएगा, बाकी सारा डेटा क्या होगा, डिलीट. क्लियर. नेक्स्ट डेटा, अब आता है सर DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. यार देखो यहाँ पर बड़ा पॉइंट अच्छा आता है. DCL के अंदर क्या होता है, डेटा को कंट्रोल किया जाता है यार. और कंट्रोल में क्या होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पॉइंट रहता है कि किस यूजर्स को आप राइट्स दे रहे हैं कि वो क्या क्या चेंज कर सके, और कौन से यूजर को आप राइट्स के लिए मना कर रहे हैं कि वो कौन से चेंज नहीं करें. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने किसी यूजर को राइट दे दिए और उनका उसने गलत फ़ायदा उठा लिया, ठीक है. और भाई क्या किया, जैसे अभी देखा था कुछ दिनों पहले रोबोट मूवी आई थी, राइट, तो उसको कुछ राइट मिले तो उसने क्या किया था, राइट्स का गलत फायदा उठा करके अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें लेकर के उसने अपने अकॉर्डिंग काम किया. अब उन कंट्रोल जो आपने दे दिया है उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है. तो उसके लिए क्या काम चलाते हैं हम लोग, रिवॉक. और परमिशन देनी है आपको तो उसके लिए ग्रांट. देखो ये रहा यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे आप इसका फुल फॉर्म है, इट इज़ यूज टू रिट्राइव द स्टोर एंड सेव डेटा. DCL एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो रोल बैक पैरामीटर. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डेटाबेस. और पहला पॉइंट इसका बनता है कि इज ग्रांट कंडीशन, जो ग्रांट कमांड है उससे क्या होगा, इट इज़ यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस. और रिवॉक से क्या होगा आपका, टू यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूज़र. तो किससे आपको रिमूव करना है, किससे आपको हटाना है, ये सारी कमांड आपके किसी की होती हैं, DCL की होती हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की होती हैं, ठीक है. चलिए अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट अब बात करते हैं भाई, कौन कौन से आपके यहाँ पे प्रिविलेजेस बन जाते हैं. तो देखो यहाँ पर एक कमांड चलाई है मैंने आपके लिए, जिसमें SQL ग्रांट कमांड दे करके मैं किसी भी यूज़र को क्या कर रहा हूँ, राइट्स दे रहा हूँ, प्रिविलेजेस 1 देने हैं, 2 देने हैं, दे सकते हैं. दूसरी कमांड में हमने SQL रिवॉक दिया है, ठीक है, कि कैसे हम लोग रिवॉक करते हैं राइट्स को, किसी भी यूज़र को अगर राइट दे रखे हैं तो इसको रिमूव भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई. तो ये हमारी कमांड हो गई इसकी. नेक्स्ट पॉइंट है आपका TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट. ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या है सर, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है,
ठीक है, कमांड यूज टू मैनेज द ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस। जो भी ट्रांजेक्शन आपका मैनेज आपका हो रहा है डेटाबेस के अंदर, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए हम चलाते हैं क्या गैस आपका TCL, राइट। दीज आर यूज टू मैनेज द चेंजेस मेड टू द डेटा इन टेबल बाई DML कमांड, राइट। कमिट और रोल बैक, दो पॉइंट सर आपके यहाँ पर हैं, एक कमिट है एक रोल बैक है। कमिट इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। मतलब कहने का ये हुआ आपका कि जो DDL है या हम ये कहें जो DML है, राइट, तो जो रोल बैक का कमांड, जो आपका रोल बैक का क्या करता है भाई, आपने देखा होगा पैसा निकाला आपने, कई बार ATM से निकालते हैं पैसा आप, और पैसा आपने निकाला लेकिन पैसा नहीं निकला, अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन पैसा हाथ में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रीजन से ट्रांजेक्शन इनकंसिस्टेंसी हुई और उसकी वजह से आपका पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन सर्वर फेल हुआ हो या पावर ऑफ हुई हो या सिस्टम फेल हुआ हो, कोई भी रीजन हो सकता है, ऐसे केस में आप क्या करते हैं सर, पैसा नहीं मिलता है आपको तो सीधा आप कंप्लेन करते हो, और जो पर्ची होती है आपका स्लिप मिलती है उसमें डिक्लाइन लिखा रहता है, कभी भी देखना ध्यान से आप लोग, वो डिक्लाइन वाली पर्ची आप हमेशा अपने पास रखते हो कि इन केस अगर पैसा आप वापस नहीं आया तो आप उस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ के बेसिस पर। तो वो हमारा कैसे होता है आपका, वो होता है डी आपका रोल बैक से। तो रोल बैक क्या करता है तरीके से, अंडू करता है ट्रांजेक्शन, अंडू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर ये आपका स्टूडेंट है, यहां पर इन्होंने देखा कि भैया अपडेट किया है, ठीक है, और यहां पर इसको क्या किया, कमिट किया, ठीक है, कमिट हो जाएगा अगर, हाँ अगर कमिट हो गया तो इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन डेटाबेस, फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि कमिट नहीं होता है जब तक रोल बैक हो सकता है। कमिट होने के बाद क्या मतलब है, सेव द ट्रांजेक्शन, सेव, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर TCL का यूज़ देख रहे हैं कि दो कमांडें आपकी हैं, एक रोल बैक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ये तरीके से कह सकते हो अंडू द ट्रांजेक्शन, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी रीजन से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है आपका तो उसको रोल बैक कर देगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर यहां तक। चलिए, कोई भी डाउट रहता है बच्चों, कोई भी कंडीशन आपको लगता है कि हाँ हम ये पॉइंट में पूछना है, तो सीधा आप वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर उसको कमेंट कर सकते हैं कि यहां हमें ये डाउट है। ये हम लोग डेटाबेस के अंदर जो हमारी SQL की लैंग्वेजेस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारे क्लियर होंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट काम करता है, राइट, और इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है, ये हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट पर। बस समझ रहे हैं आप, यानी कि अब जो हमारा पार्ट होने वाला है वो कौन सा पार्ट होगा आपका, पार्ट 9, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट होगा इसमें हम क्या बात करेंगे सर, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की, क्लियर। फिर मैं इसके बाद आपके लिए कुछ MCQ लेके आऊँगा, ठीक है, जो आपको MCQ पढ़ाए जाएंगे, राइट, जिसमें आपको डेटाबेस के रिगार्डिंग और SOIT के रिगार्डिंग भी आपको MCQ में दूंगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे भाई, या जरा मुझे आपके दिखा दीजिए स्क्रीन पर एक बार। तो ये जो है हमारा ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ये हम कवर करने वाले नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट 9 में। भाई जरा दिखा दो मुझे स्क्रीन पर, कोई है कि नहीं वहाँ पर, अरे पूरा दिखाओ यार, ख़त्म, अब मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 9 में कराऊंगा इसको मैं। तो भाई ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट आपका पार्ट 8, यानी कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम कवर करने वाले हैं आपके पार्ट 9 में। तो तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है पार्ट 9। तो आप प्रॉपर डिस्प्ले जो है आपको देखने वीडियोस, तो आप कहाँ जा सकते हैं, अपने हमारा जो Adda247 है उसमें बैंकिंग चैनल पर आपको SBI SOIT से रिगार्डिंग एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप जाकर के सारे पार्ट देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।